जय हिंद। फर्स्ट ही पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, अटल भूजल योजना पढ़ रहे थे। अटल भूजल योजना में इसको एक्सटेंशन दे दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025 तक। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत को 8220 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत को प्रोवाइड किया जाएगा विद 80 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विद 80 डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे दूसरी चीज आती है, कितने हेक्टर्स के लिए अटल भूजल, भूजल, भू मीन्स भूमि, जल मीन्स पानी, ठीक है। भूजल का मतलब इरिगेशन के लिए, किसके लिए, इरिगेशन के लिए 450,000 हेक्टर्स ऑफ इरिगेटेड एरिया अंडर एफिशिएंट वाटर टेक्निक लाइक ड्रिप इरिगेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। हम कर चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, कितनी बार, 3 बार। सबसे कम दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भी यही है, शायद 15 डेज या 10 डेज, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। और यंगेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी थे। इनका जो मनमोहन सिंह से पहले, मनमोहन सिंह का पीरियड रहा 2004 से लेकर 2014 तक, ठीक है। उससे पहले जो पीरियड रहा वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उससे पहले आई के गुजराल थे, ठीक है। बीच में लड़ाई भी हुई थी, बीच देवेगौड़ा भी थे, फिर भी पी सिंह, राजीव गांधी की डेथ के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत चेंजिंग्स आई, ठीक है। तब लड़ने लगे, एक बोलता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, दूसरा ये, इस तरह के कंफ्लिक्ट्स बहुत देखने को मिले। 1992 में मेरे फादर जी की याद करते हैं, हर 1 मंथ के बाद ना शफल हो जाते कैबिनेट, हर 10 दिन आप यकीन करो कि हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, पूरे के पूरे कैबिनेट याद करते थे, फिर घूम जाते थे। फिर उसके बाद 10 दिन बाद मैंने तीन चार प्राइम मिनिस्टर शायद चेंज हुए थे 1992 के बीच, हमने बड़ी बार याद की है। और बट फाइनेंस मिनिस्टर एक ही रहता था, नहीं, सबसे ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर है चिदंबरम, पी चिदंबरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अभी स्कीम ही है, ठीक है, मैं और झूंगी, मिशन वत्सल्या स्कीम। वत्सल्या मीन्स, ये स्कीम जो है रेप पीड़ित लोगों, विक्टिम्स के लिए है। जिन लड़कियों का रेप हो जाता है और तब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके पेरेंट्स, उनके फैमिलीज उनको छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम एप्लीकेबल की है। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वत्सल्या स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। ये किसके लिए है, रेप विक्टिम के लिए, टेंडेंसी फ्रॉम रेप, ठीक है। और ये मिशन है, ये मिशन स्कीम इम्प्लीमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, करंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के पास 2 मिनिस्ट्री है, एक है मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर, मिनोरिटी अफेयर्स, ये भी स्मृति ईरानी, हमारी क्लास में भी बैठी है स्मृति ईरानी, ठीक है। और दूसरी है इनका चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, भी स्मृति ईरानी के पास, हो गया ये समझ आना। प्राइम मिनिस्टर प्रणाम योजना फॉर फार्मर्स, ये जो योजना है, ये केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस किया जाएगा, क्या मीन्स कम से कम फर्टिलाइजर यूज किया जाए खेतों में ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बचाया जाए। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भारत की जो है सिक्किम, सिक्किम में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है सारे एग्जाम्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ये हो सकता है एनडीए में हो, सीडीएस में हो, या एसएससी में हो, सीएचएसएल में हो, सीजीएल में हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, एफकैट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर प्रणाम योजना जो है, स्कीम जो है फार्मर्स के लिए है। इस स्कीम के अंदर कितना पैकेज दिया है कैबिनेट ने, 368 और 000 करोड़ रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को दिए हैं। और इस बट वाज द एम ऑफ दिस स्कीम, और एम क्या है, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन द स्टेट। अब आप किसी शोरूम में चल जाते हो, वहां पे ऑर्गेनिक बाजरा, ऑर्गेनिक बीट, ऑर्गेनिक चीनी, ऑर्गेनिक फूड
मिलता है, ठीक है, कॉस्टली होता है कंपेयरेटिव टू अदर्स फूड। आज का हमारा मेजर प्रिंट है, ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच 7th एडिशन हुआ है नेवल एक्सरसाइज का। ये नेवल एक्सरसाइज कोची में हुई, कहां पे? कोची केरल में। कोची जो है भारत की पहली फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट, भारत का पहला सोलर एयरपोर्ट जो है केरला में कोची में, कहां पे है? कोची, कोची, याद रखिएगा। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा एक व्यक्ति की अमीबा से मृत्यु होगी, ठीक है, पढ़ के आना, पढ़ो उसके बारे में, ठीक है, वो भी केरला से ही था। हवा के थ्रू उसके नाक में कुछ कण चले गया, वो जो ब्रेन में अमीबा ने क्या किया, उसके ब्रेन को खा लिया, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने भी कंडक्टेड देयर 7th एडिशन सेल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ठीक है, जिसको ईओडी भी कहा जाता है, और इस एक्सरसाइज का नाम है सेल्वेक्स। क्या है? सेल्वेक्स। सेल्वेक्स 7th एडिशन था इंडिया और यूएसए के बीच। दो नेवी है इन्होंने ये एक्सरसाइज कंडक्ट, सबसे पहले 2005 में, कब हुई थी? 2005 में। आपको ये पूछा जाता है, ठीक है, आप कभी कभी पूछ सकते हैं फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ, ठीक है, सेकंड एडिशन कहाँ पे हुआ, तीसरा कहाँ पे हुआ, ठीक है, हर एक एडिशन जो लास्ट ये इंडिया में हुआ कि यूएसए में हुआ, इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया, ये सारे क्वेश्चन एक नेवी के होते हैं। द नेवल यहाँ पे आईएनएस निरीक्षक किसने पार्टिसिपेट किया, निरीक्षक ने, याद रखिएगा, और यूएस की तरफ से यूएसएनएस सिल्वियर ने किया, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब पहले क्या होता था ना, पहले आपको आखिरी एक्सरसाइज कहाँ कहाँ होती है, फिर उसके बाद आने लगा कि एक्सरसाइज फर्स्ट समिट कहाँ पे, सेकंड कहाँ पे, अब पूछा जाता गतर क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी जगह, किसने पार्टिसिपेट किया, किस आईएनएस शिप ने पार्टिसिपेट किया, किस जहाज ने लैंडिंग की, किसने फर्स्ट अचीवमेंट की, इस तरह के क्वेश्चन आपको रहते हैं, ठीक है। 2019 से पहले, 16 से पहले ना एक्सरसाइजेस बड़ी आती थी, ठीक है, कोविड के बाद जो पहला एग्जाम हुआ ना, 16 के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं आया, एग्जाम बड़ी रेयर हो गई, कभी किसी में आ जाती है कि ये वाली इंडिया किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज करती है, ये बताओ ये बताओ, ठीक है। कोविड का पहले पेपर में तो दो एक्सरसाइजेस एनडीए सीडीएस दोनों में, ठीक है, ये अब लो रैंकिंग मीन्स एनडीए सीडीएस एफ कैन का कोई भी पेपर स्टार्ट करते हैं, तो ये बेसिक जीके एम की, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है उनके लिए, ठीक है, हम ये फर्स्ट स्टेप से थोड़ी ऊपर वाले स्टेप्स को डालते हैं। इंडिया जो है यूएसए के साथ बहुत सारे नेवल एक्सरसाइजेस करता है, सॉरी नेवल एक्सरसाइज का नाम है एक और मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार मैं आपको पहले भी बढ़ा चुकी हूँ, मालाबार नए बच्चे सुने, मालाबार क्या चीज, मालाबार बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार का ग्रुप को ही क्वाड ग्रुप कहा जाता है। अब रिसेंटली इंडिया ने नाटो को रिफ्यूज किया है, तो क्वाड ग्रुप में अब जो यूएसए ने नया क्वाड ग्रुप बनाया उसमें इंडिया को नहीं लाया है, ठीक है। मालाबार में चार देश आते हैं, इंडिया, ठीक है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड, ठीक है, ये सारे ग्रुप बनाते हैं क्वाड ग्रुप या G4 भी कहते हैं, ठीक है, ये G4 ये अलग G4 है, ये वो वाला G4 नहीं है जो SCO की डिमांड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिमांड करता है, ये वो वाले जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिमांड करता है, उनका नाम है जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान, ठीक है, ये आपस में इनका कॉम्बिनेशन है, इन ग्रुप्स को G4 कहते हैं। G4 आए थे G20 से, जब G20 ग्रुप बनाएगा, अक्सर हमने देखा कि भारत में G20 की मीटिंग्स हुई है, ठीक है, प्रेसिडेंसी भारत के पास थी, जब ये G20 बनाएगा, G7 से G20 बनाया गया, ठीक है, इन्होंने बोला एशिया के तो हम करते हैं, अगर G20 बना तो इन्होंने फिर क्या बनाया, G4, ठीक है, G4 में ये डिमांड क्या करते हैं,
United Nations Security Council Organization means veto power. Veto power की demand करते हैं, ठीक है? किसकी demand करते हैं? Veto power. ये बोलते हैं अगर इंडिया को मिल जाता तो जापान और इंडिया पावर्स को शेयर कर लेंगे, अगर जर्मनी को मिलता है जर्मनी और ब्राजील पावर्स को शेयर कर लेंगे. इस तरह की ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध अभ्यास इंडियन मिलिट्री के बीच होता है एंड वज्र प्रहार भी इंडियन मिलिट्री और यूएसए के बीच होता है. और नेवी एयरफोर्स का रेड फ्लैग 60, रेड फ्लैग 60. नेक्स्ट, ये अभी रिसेंटली हमने सारे किए हैं, इनको रिवाइज करेंगे, ठीक है? हाइलाइट्स है जैन और सॉरी मई और जून की ही है. देखो ये अभी हमने पढ़ा था जुलाई का ही करंट अफेयर है. फर्स्ट अल मोहद अल हिंद, ये इंडिया और आप लोगों ने किस तरह एक टेबल बनाना, ठीक है? टेबल में आपने सारी एक्सरसाइज ना ऊपर तो इंडिया लिखोगे प्लस कंट्री अबू धाबी, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरेबिया, ठीक है? उसके सामने एक्सरसाइज का नाम लिखोगे कौन सी की जाती है, फिर ओमान के साथ कौन सी होती है, इस तरह सारी एक्सरसाइज को लिखोगे धीरे धीरे. अगर आप दो भी डेली याद करोगे ना तब भी आपका आपको याद हो जाएगी. बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस होती है, ठीक है? अल महद अल हिंद, ठीक है? ये नेवीज ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया ने कंडक्ट की थी. इसमें इंडिया को, इसमें खाली इंडिया ने बहुत सारे देशों को इन्वाइट किया गया था. सेकंड, इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच एक पहली बार मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वो कहां पे है? गल्फ ऑफ ओमान. ओमान की कैपिटल है मस्कट. गल्फ ऑफ ओमान में हुई है, मिडिल ईस्ट कंट्री, ठीक है? इंडिया नेवी, ये भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसकी आबू धाबी है. आबू इंडियन नेवी कंडक्ट सबसे बड़ी बिगेस्ट एक्सरसाइज INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, ये कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी, ठीक है? ये इंडियन नेवी की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है? किसी कंट्री के साथ नहीं की, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है. INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के साथ ये एक्सरसाइज अरेबियन सी के ऊपर एक पी थी. अरेबियन सी ये है, ठीक है? बे ऑफ बंगाल है भाई, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है. वेस्टर्न घाट की तरफ अरेबियन सी, आप गोवा जाते हो मुंबई जाते हो डॉल्फिन्स देखते हो तो वो जो डॉल्फिन देखते हो वो अरेबियन सी के ऊपर दिखाई देती है. फिर बे ऑफ बंगाल, इसको बे ऑफ बंगाल को पहले चोला का सी कहा जाता है, चोला सी कहा जाता है, ठीक है? चोला ने बहुत सारे यहाँ पे रूल किया और चोला सी के नाम से जाना जाता है. इंडियन नेवी कंडक्टेड बिगर एक्सरसाइज INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत. इंडियन नेवी रशिया MiG-29, ये हमने किससे लिया है? रशिया से. पहली बार इसकी नाइट लैंडिंग की गई INS विक्रांत के ऊपर. INS विक्रांत जो है इंडियन जेनियस है, मीन्स भारत ने बनाया है, भारत में बनाया है. उसमें रशिया ने जो हेलीकॉप्टर बनाया MiS-29 के की क्या की गई है? लैंडिंग की गई है. मीडियम रेंज स्मॉल एयर मिसाइल MRSAM क्या होता है? मीडियम रेंज स्मॉल एयर मिसाइल. इसका टेस्ट फुल इसका टेस्ट हो चुका है, सक्सेसफुल रहा. ये किया गया INS मारमुगोवा, इसका मारमुगोवा गोवा से इसका टेस्ट किया गया. ये सारे डिफेंस के क्वेश्चन है, ठीक है? एफ कैट के लिए भी लड़कियां हैं कोई एफ कैट की? ठीक है, बस सेंटर के जो एग्जाम है वो तो चल रहे हैं, ठीक है? जेके एसएस भी नहीं हो रहा, बाकी सारे एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है? एसएससी अपने टाइम पे हो रहा है, सीजीएल अपने टाइम पे हो रहा है, बैंकिंग के भी अब फिर से आगे ग्रामीण बैंक का आया. ये JNK का ग्रामीण बैंक है ना? अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है. नहीं तो JNK तो इस साल बहुत अच्छे है, हमारा जीके एसएसबी का पीरियड रहा. बच्चे चाहे दो दिन पांच महीने पढ़ते हैं फिर उनका मोरल डाउन हो जाता है, फिर घर बैठ जाते हैं क्योंकि जीके एसएसबी पेपर नहीं ले रही. मैं जाने सोचते हैं कि इससे स्कूल लग जाए,
सैलरी तो आएगी, लड़कों को तो कौन खिलाएगा, लड़कियों को तो पेरेंट्स खिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको किसी को देना होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन नेवी एंड फ्रेंच नेवी, ठीक है, इंडिया में भी एक पार्टनरशिप थी बिया बंगाल में, कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, ठीक है, ये भी एक्सरसाइज इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने जो एक्सरसाइज किया वो बिया बंगाल विशाखापट्टनम में की गई। इंडियन नेवी त्रिवेणी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 188 डेज के बाद अपने देश वापिस आया है, कौन, त्रिवेणी, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस INS इंडियन नेवी शिप व्हीकल्स का नाम बताओ क्या है, त्रिवेणी, और कितने नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स में हमारी लैंड है, ठीक है, अगर वहां कोई रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो हमारे देश के होते हैं, उससे बाहर मिले तो यूनाइटेड नेशन, क्या भाई लॉस चेंज होने चाहिए ना, है ना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कहां, और कोई एशिया कहां, वेस्ट कहां, वहां के लोग कंट्रोल करते हैं हमारे सीज को, लैंड को, हमारे ब्रेन्स को भी, क्या नहीं करते हैं, है ना, सबको यूरोप भी घूमना है। समुद्र शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चाइना सी के ऊपर हुई है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो एक मिलिट्री सॉरी एयर नेवल एक्सरसाइज होती है, समुद्र का नाम ही, सी को ही समुद्र कहते हैं, और वो सो चाइना सी के ऊपर हुई है, जब भी सो चाइना सी के ऊपर करते हैं तो चाइना को तकलीफ होती है, चाइना बोलते हैं कि जितना भी चाइना सीज है वो उसी का ही है, चाहे उसमें ईशान देश आए, ठीक है, ईशान देश में जो चाइना सी आता है, चाइना उसको उसमें भी अपना क्लेम करता है कि इसको चाइना सी के नाम से ही जाना जाए। चाइना जो है एशिया के ईस्ट में आता है, कहाँ पे आता है, ईस्ट एशिया के आता है। इंडियन नेवी MH-60R रोमियो जो है, इसने पहली बार लैंडिंग किया किसके ऊपर, INS कोलकाता के ऊपर, इसके ऊपर ये भी याद रखना है, MH-60R रोमियो ने लैंडिंग कौन से इंडियन शिप के, इंडियन नेवल शिप के ऊपर की है, कोलकाता में। DRDO ने अपना हेवी वेव टॉर्पेडो, टॉर्पेडो होता है बॉम्ब होता है जो सी में यूज किया जाता है, और इसको सक्सेसफुली ड्रॉप इंडियन नेवी में लॉन्च करने की बात हो चुकी है, ठीक है। अंडर वाटर टारगेट 37 इंडोनेशिया, ये कॉर्पेट है, कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है 37 है, ठीक है, 37 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट एक्सरसाइज हुए, वो इंडियन ओशन के ऊपर हुई है, कहाँ हुई है, इंडियन ओशन, समझ आ रहे हो बच्चों, कहाँ थाईलैंड के साथ ही, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, एक्सरसाइज दोस्ती, पहले ये देख लो, इंडिया मालदीव, अच्छा यहाँ छोड़ देती हूँ, वालेगा देखो, यहाँ देख लो, वन लाइनर देख लो, ठीक है, आज क्या, उत्तराखंड में जोशीमठ में, हमने लास्ट ईयर देखा जोशीमठ की लैंड स्किप करती जा रही है, जमीन उसकी दस्ती जा रही है, लोगों के घर भी सारे ब्रेन टूटती जा रही है, ठीक है, जोशीमठ में 1991 में भी मॉनेटरी लैंड सिंकिंग प्रोजेक्ट लगाया गया था, 6 सिस्मोग्राम टावर सेट किए गया, कहाँ पे, जोशीमठ में। पार्लियामेंट्री लॉ अफेयर मिनिस्टर जो है स्टेट के, कर्नाटक स्टेट ने कहा है कि वो रूरल एरियाज में भी, अच्छी बात है, जितने कोर्ट्स बनेंगे उतने जल्दी केस बन सॉल्व होंगे, इंडिया इतना बड़ा देश है, तो सिर्फ 35 हाई कोर्ट्स है, सॉरी 25 हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स में कितने केसेस चलते, ठीक है, कहा कि रूरल कोर्ट्स बनाए, थाउजेंड रूरल कोर्ट्स कर्नाटक स्टेट ने अप्रूवल दिया है। द फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कृष्ण मिश्रा को एज अ CEO अपॉइंट किया है। पंकज गोयल जो है न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं भारत पे के, इसके भारत पे के। रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया है अमीर लोगों के फेयर कम किए जाएंगे एसी चेयर्स के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लॉज ऑफ आर, ठीक है, गरीब के बढ़ाए जाएंगे, अमीर के कम किए जाएंगे, सही है, हाँ सही है। गुकेश डिफीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डी गुकेश जो है इंडियन यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, लास्ट 25 बस ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ये इन्होंने किसको हराया, अगेन किसको हराया, विश्वनाथन आनंद को,
ठीक है, विश्वनाथन आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे रख देती हूँ इनकी कहानी, कल मैं पूरा करवा दूंगी। इंडिया और तंजानिया के बीच लोकल ट्रेड की बात की गई है, लोकल करेंसीज में, ठीक है, तंजानी करेंसी और इंडियन करेंसी की बात। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया है 1.85 बिलियन टू 59.50 बिलियन आरबीआई ने कहा है। यहाँ तक करंट अफेयर रहते हैं, आज आपको खाने के लिए 5 मिनट ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।